सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर पूर्वांचल के छठ महापर्व का उत्साह राज्य के हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का महापर्व शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग हल्द्वानी में रहते हैं, इसीलिए यहां भी छठ पूजा की तैयारियां देखने को मिल रही है। साफ सफाई रंग रोगन के साथ घाटों पर पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है। छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि छठ महापर्व 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इस दिन शुद्धिकरण के बाद नहाए खाए भी होगा। 29 को खरना में मीठी खीर का भोग लगाया जाएगा और 30 अक्टूबर को शाम महिलाएं पानी में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि 31 अक्टूबर की सुबह उगते ही सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का समापन होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ के पूर्वांचल की ये बहुत महत्व त्योहार होता है। ये बहुत साफ सफाई से इसकी पूजा होती है और पूरे उत्तरांचल, पूर्वांचल और बंगाल और यहाँ पर कुमाऊँ के भी काफ़ी लोग यहाँ छठ पूजा करते हैं। सबसे पहले तो छठ पूजा सभा समिति देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्द्वानी के तमाम जनता को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देती है। जोर शोर से सब ये व्यवस्था चल रही है और आज से इसका शुरुआत हुई, शुरुआत हो गई, कल खरना हो गया, उसके बाद में 30 तारीख को शाम वाले घाट होगा।